Yo, what's happening guys, my name is Loggy और guys आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी में और चपाती भाई ऑलरेडी हवा के अंदर उड़ रहे हैं भाई और नीचे आ जाओ भाई ओए चल बे ओ तेरी भाई ओए भाई आज मेरा शहर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या हुआ? तेरे को चालान फेंकता हूँ ऊपर से चालान आ रहे अभी देखियो। कौन सा चालान होता है भाई दुबई सिटी में? शहर के अंदर चालान देना सबको, सारे चालान ले लो भाई। ये क्या ड्रॉप कर रहे भाई? ओके भाई ऊपर जुर्माना लगेगा, सबके ऊपर जुर्माना। अरे भाई ये प्लेन पेपर क्यों फेंक रहे हो भाई? वो चालान है, वो प्लेन पेपर का है, दिमाग खराब करके रखे इसने तो मेरा। आज तो मैंने तो पांच टिकटें चख ली हैं भाई, काम तो सब यहीं पे ड्रॉप कर देता हूं। तेरे को पांच बारी चालान देना पड़ेगा। लेकिन क्यों भाई, मैंने किया क्या यहां पर? यही तो प्रॉब्लम है, किसी को पता ही नहीं किसी ने क्या किया, लेकिन चालान सारे दिन किया आज। लेकिन भाई ये किसकी, ये कौन सी पॉलिसी, किसने ये पॉलिसी बनाई है? तेरे को पॉलिसी ना पता होने का अच्छा भी चालान देता हूं, सबर कर भाई। और ये लो बच गए भाई, अभी मैं आपको मारने वाला था भाई, सारी ये चालान गिरी मैं आपके अंदर से निकालने वाला था। अभी मारने का भाई चालान पड़ेगा, तू गया बेटी भाई हर चीज का चालान। भाई काम करता हूँ मैं, यहाँ पर स्टिल खड़ा हो जाता हूँ, फिर तो मुझे चालान भी चालान लगेगा भाई। अबे देखो भाई अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा भाई, एक मिनट मैं चीफ को मिलकर आता हूँ भाई। चीफ मिलने का भी चालान है। अरे रहने दो भाई, एक मिनट भाई अभी मैं आपको ऊपर से तीन मारूंगा। तीर मारने पर, का भी चालान है भाई। यहाँ पर मुझे ध्यान पर पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक कागज भी उठा लिया तो मेरे लिए चालान लग जाएगा भाई, ऊपर चालान लग जाएगा। मेरे पास नहीं फेंकने हैं भाई, उधर पे उधर फेंको, ऊपर से और चालान फेंको तो बच ये। अभी मैं आपको तीन मारता हूँ। कोई भी बंदा चालान से बच नहीं सकता भाई, ऊपर से चालान गिर रहे हैं वो देख ले। अच्छा काम, अच्छा एक काम करते, चैलेंज करते हैं भाई, अगर मैंने आपको हवा के अंदर से मार दिया तो सारे ये जो चालान आपने फेंके ना ये आपको भरपाई करने पड़ेंगे। हवा के अंदर में मर के उसका भी चालान है भाई। एक और भाई अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ओ ये लो बच गए। लगा भी नहीं मेरे को, तो मेरे को मारेगा। चल मुद्दे की बात कर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को चालान मारने हैं। अच्छा भाई मुद्दे की बात, भाई मुद्दे की बात ये कि भाई आज मुझे एक्चुअली चीफ को मिलना था, लेकिन भाई अभी आई डोंट थिंक कि मैं उसको मिल पाऊंगा। क्यों क्या हो गया? क्योंकि आपने चालान लगा के रखे है ना भाई। जाना उठना, चल क्या काम कर अपना। ये क्या है भाई? ये देखो यहाँ पर एक अनजान सा घर बना हुआ है। लोगे कहाँ पर है तू? अरे ये देखो भाई मैं जहाँ पर घोड़े खड़े हैं भाई, मैं उसके साइड में खड़ा हूँ। ओ भाई ये कैसा घर बना कर रखा है भाई? ये भाई मुझे लगता है आपने किसी ने चालान यहाँ पर नहीं भरा है भाई, मुझे लगता है चीफ ने यहाँ पर किसी को पनिशमेंट देकर रखी है भाई। इतना घटिया घर बनाने का भाई चालान है, बहुत तगड़े वाला। रुको मैं अभी चालान देता हूँ, घर के ऊपर ही चालान लगता है। अरे भाई चालान को छोड़ो भाई, एक यहाँ पर क्या लिख रहे हो? एक भाई मुझे पहले देखते हैं दो। ये देखो चालान क्या भाई, बहुत मोटा चालान, कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत मोटा चालान काट दिया इसके ऊपर, देख लिया भाई गया वो। कितने पाउंड है भाई? अरे वहाँ पर सामने एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसका मतलब है 0 पाउंड। यार गलती होगी मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मिस्टेक कर दी लॉगी, काम कर घर के आसपास, देखो कोई ना कोई बंदा घर का मालिक कहीं ना कहीं घूम रहा होगा भाई, हमें इसको ढूंढना है भाई। आज देखते हैं। अरे ये देखो भाई यहाँ पर एक्चुअली क्रिस्टल ये ब्लॉक के अंदर से निकल रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था ये पॉसिबल है। ये तो बहुत ज्यादा ही रियर ब्लॉक वाला घर बना कर रखा है यहाँ पर तो यार। अच्छा तो मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर वो फिर से ग्लिच आ गया होगा। लेकिन क्या क्या इसने जितना भी कॉपर लगा कर रखा है, सारा कॉपर एकदम से रस्टेड हो चुका है भाई। हाँ वो तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पर पूरा रस्टेड हो चुका है कॉपर। और घर के अंदर जाकर देखे भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पड़े होगा चेस्ट के अंदर। खाली है कि अगर मैं इस कॉपर के ऊपर हनी मारता हूँ तो शायद वो रस्टेड नहीं होगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो, अबे होता तो ट्राई कर। रुक मैं तो हनी दे रहा हूँ, ये देख। एक हाँ, निकालो निकालो ये ले, हनी ब्लॉक ले और हनी ब्लॉक मार इस कॉपर वाले उसके ऊपर, तो आई डोंट थिंक ये रस्ट होगा। कुछ भी नहीं हुआ, बोलना इसको डंगर, कुछ भी नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली वो पहले रस्टेड हो चुका है, तो ये अभी ठीक नहीं हो सकता। ओके अंदर जाकर देख, मैं बाहर जाकर खड़ा हूँ। आ जाओ भाई अंदर, यहाँ पर भी एक चेस्ट पड़ा हुआ है, खोल के देखे। हाँ मैं अंदर खड़ा हूँ। अंदर चेस्ट यहाँ पर रेड स्टैंड पड़ी हुई है, TNT और साथ में नेम टैग जिसके ऊपर लिखा है सर्कल। ये पागल है क्या, ये क्या कर रही है बंदा? काम करता चक लेते हैं भाई, इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। आज वो बाहर जाकर देखते हैं। okay. भाई अभी मुझे ये पावर टेस्ट कैसे करनी है भाई, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई तो पावर होती होगी ये सर्कल वाले भाई। TNT के अंदर कौन सी पावर है भाई? मिट्टी और TNT को मिक्स करने की कौन सी पावर? हलवा बना रहा है यहाँ पर भाई। मुझे लगता है अगर मैं दोनों चीजें पकड़ूंगा तो शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वो अरे अरे ये भाई ये सर्कल कैसे बन गया भाई? तो खूब बन गया है वो, यहाँ पर तो भाई माइनक्राफ्ट का परफेक्ट सर्कल बन चुका है। अगर मैं इसके अंदर पानी डालूं तो भाई, अरे मैं इसके अंदर पानी भी डाल सकता हूँ। ये कैसे वो मुझे सर्कल के अंदर खींचा लेके जा रहा है भाई? वो तो भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। काम करते भाई यहाँ पर इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाते हैं, यहाँ पर पानी डाल दो भाई। ये तू कैसे कर रहा यार? ये तो लाउड नहीं है माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर। वही तो भाई, आ जाओ भाई काम करते, इसको पूरा पहले पानी से भर देते हैं। एक्चुअली ये भरेगा कि नहीं? भरो भरो भाई, पीछे से क्या
देख रहे हो, बहुत डर लग रहा है। लोग तो सर्कल के अंदर घुस चुके, तेरे को पता है ना भाई सर्कल बहुत डेंजरस हो सकता है अपने लिए। भाई साहब ये तो मुझे जकूजी वाली फीलिंग आ रही है। भाई तूने एकदम परफेक्ट सर्कल कैसे किया भाई माइनक्राफ्ट के अंदर? वही तो भाई, मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे लगता है भाई जिसके ये नेम टैग के ऊपर देखो भाई लिखा है टूट रहा टूट रहा टूट रहा टूट रहा भाई पीछे हटो। भाई उसने साथ में TNT भी देकर रखा है, कहीं फट गया ना तो लेने के देने पड़ते हैं भाई। ये माइनक्राफ्ट खून बन गया यार यहां पर। तो मुझे लगता है अगर हम इसके ऊपर TNT मारेंगे तो ये और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। ये लो गायब हो गया, सर्कल ही टूट गया। अभी मारियो फ्रेंड इसके ऊपर, मैं देखता हूँ क्या करता है ये। भाई मेरे पास फ्रेंड नहीं है लेकिन ओगी का बो है, एक मिनट मैं ओगी का बो मारता हूँ। और तेरी पानी के अंदर मार दिया, पीछे जाओ भाग मेरे भाई, भागो भागो। और कुछ भी नहीं हुआ, पानी के अंदर कौन सा TNT फटता है डंगर कहीं के? तो मुझे लगता है तेरे को, अच्छा तो मुझे लगता है जो TNT है वो सिर्फ सर्कल को रिमूव कर देता है। तेरे को पता कैसे लगा ये सर्कल बन रहा है इससे? अरे भाई मैंने अभी देखा जब मैंने वो सर्कल वाला नेम टैग पकड़ा, साथ में जो ब्लॉक मैंने पकड़े भाई, जब मैंने क्राउच किया तो वहाँ पर सर्कल बन गया। अगर मैं यहाँ पर क्राउच करूँ तो ये देखो, देखा भाई यहाँ पर एक्चुअली सर्कल बन चुका है। मैं ट्राई करूँ तो क्राउच करना क्या यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं क्राउच करके देखूँ एंड सर्कल, अरे आपको नेम टैग भी पकड़ना है दूसरे हाथ में? मेरे पास नेम टैग है ही नहीं, मेरे पास अभी नेम टैग था। रुक, तो अगर मैं नेम टैग हाथ में पकड़ूं और इस हाथ में पकड़ूं उससे एंड फिर क्राउच करना मेरे को, लेट्स गो। और ये तो कटोरी बन गई, ये देखो बाहर से देखो भाई एक्चुअली कटोरी जैसा लग रहा है। ऑनेस्टली भाई ये तो लिटरली माइनक्राफ्ट का कुआं बन गया। TNT मत मारा कर, TNT से वो चीज गायब हो जाती है। तो इसका मतलब है क्या हम कोई भी ब्लॉक के ऊपर कर सकते हैं क्या? ओके अभी आजा, हम अपनी सिटी के अंदर सारी चीजें जो है मुझे पूरी सर्कल बनाकर रखनी है। ये आजो देखते हैं, पहले हम ट्राई करेंगे लॉग के घर के ऊपर। मेरे घर से दूर हो जाओ भाई। ओके आजो अभी हम ट्राई करेंगे ग्लास के ऊपर, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मुझे उसी ब्लॉक के ऊपर खड़ा होना है तभी ये जाकर काम करेगा। अभी ट्राई करियो। ओके रेडी होना तो अगर भाई साहब होली मोली भाई ये ग्लास टूट कैसे नहीं रहा भाई? तेरे ग्लास के पूरे मैकेनिक चेंज कर दिए माइनक्राफ्ट से। हमने तो पूरी माइनक्राफ्ट की मैकेनिक चेंज कर दी और साथ में इसके साथ ये सी लैंटर्न भी निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होता है इससे। ओके अभी लॉगी अगर ये पानी के अंदर ट्राई करेगा तो क्या होगा भाई? हां पानी के अंदर ट्राई करते हैं लेकिन पहले इसको हम डिस्पॉन कर देते हैं नहीं तो गेम टूट जाएगी। ओके बहुत ज्यादा डेंजर चीज हमने ढूंढ कर रखी हुई है यहाँ पर। तो अरे भाई ध्यान रखना भाई कि पिरामिड के ऊपर ना चल जाए। ना 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 पिरामिड के ऊपर अगर तूने गलती से ही मार तो गया बेटे तू गया। आ जाओ भाई पानी के अंदर टेस्ट कर दे। तो अगर मैंने ये ब्लॉक यहाँ पर रखा और फिर साथ में मैंने यहाँ पर सर्कल वाला नेम टैग भी निकाल देना और फिर इसको पकड़ो और लेट्स गो। अरे भाई साहब भाई पानी के अभी इसके ऊपर एक और ग्लास रख, इसी के बीच के अंदर वो टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर मार के देखियो क्या होता है। पहले एक मिनट भाई मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैंने रखा और रेडी हो ना लेट्स गो। ओके लेट्स गो और एक्चुअली काम कर रहा है लेट्स गो। लिटरली कुआं लग रहा है यार ये तो भाई। बनाते जाओ आप भी पीछे से बनाते जाओ भाई। सिर्फ देख रहा हूँ क्योंकि अगर ज्यादातर बंदे बनाएंगे तो शायद गेम क्रैश हो सकती है। ठीक है गेम क्रैश कमल लगे हमें पूरा गहरा कुआं। अरे भाई गेम क्रैश हो रही है भाई, गेम टूट रही है कितना आप पिक लग रहा है। ओके अभी मेरे को लगता है लॉगी अभी हम ट्राई करते हैं डायमंड ब्लॉक से। ओ माय गॉड डायमंड ब्लॉक भाई एकदम खतरनाक वाला बना के निकालो भाई। एक मिनट भाई मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे पास बड़ी रिच ब्लॉक्स पड़ी हुई है। तो मेरे पास दो पड़े हैं। अरे नाइस एक मिनट भाई मैं यहाँ पर मार के देखता हूँ। मर जाएगा भाई फटना जाएगी कहीं ये। ओके अभी रेडी हो ना भाई अभी आता है दी अल्टीमेट डायमंड टेस्ट। और 3 2 1 आपने TNT का बना दिया। भाई होली अगर ये फट गया ना लॉगी लॉगी मुझे फोड़ना है उसके ऊपर TNT रख दो। तो अगर मैं ये TNT यहाँ पर रखूं और उसके ऊपर मारूं फ्लिंट का स्टील तो कितना बड़ा धमाका होगा। मैं तो करना ये मैं तो स्कैम हो गया भाई डायमंड तो निकला ही नहीं। लॉगी हर जगह फटने में फोड़ने वाला इसको। एक मिनट भाई मैं यहाँ पर अभी मैं केव के अंदर हूँ भाई मैं यहाँ पर पहले निकल जाता हूँ। रेडी फटाक फोड़ दो और निकल जाओ भाई। और ये अरे भाई मैं नीचे गिर गया यार। तो अगर ब्लॉक के ऊपर हम चढ़ते हैं तो वो ब्लॉक पूरा कुएं में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या डोर होगा? ओ डोर भाई आजो भाई हमें डोर तो टेस्ट करना पड़ेगा। कर 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 मैंने तेरे लिए यहाँ पर डोर फेंका हुआ लेट्स गो। रेडी हो ना? तो अगर मैंने यहाँ पर डोर पकड़ा तो लेट्स गो। और भाई साहब मिनी डोर बन चुका भाई। भाई यहाँ पर तो डबल डोर बन चुके हैं देख रहे हो ना कितना ओपी चीज है भाई हमने ढूंढ कर रखी है। अभी छोटे से मिनी डोर्स बन चुके हैं। अभी इसके अंदर पानी डालकर देखते हैं क्या होता है। ओ भाई ये तो सबसे कर्स चीज हो जाएगी भाई। तो हमने यहाँ पर बना दिया सबसे कर्स वाली चीज माइनक्राफ्ट के अंदर। मैं तो क्रिएटिव के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मुझे फुली टेस्ट करनी है भाई। मैं भी आ एक मिनट भाई मैं भी आ जाता हूँ क्रिएटिव के अंदर। पानी डालकर देखो तो भाई दरवाजे के अंदर पानी लीक हो रहा है। अबे यार अभी मैं टेस्ट करूंगा था सबसे अल्टीमेट ब्लॉक भाई। मुझे लगता नहीं है कि इससे काम होगा
चुका, लेकिन ट्राई करके देख ले करने क्या वाला भाई। मेरे पास अभी आ चुका ड्रैगन का अंडा। लेकिन ये ड्रैगन का अंडा है भाई, इसके ऊपर टीएनटी मार दो, ये तो बहुत ज्यादा कर्स मुझे लग रहा है। कमाल लगे, सबसे पहले भाई ये जगह सारी भरनी होगी। टेस्ट करना की अगर हम बीकन से करते हैं तो क्या इतने सारे बीकन एक ही बार में एक्टिवेट हो गए तो क्या होगा भाई। भाई ये तो भाई भाई ये टेस्ट तो भाई मुझे पता भी नहीं था कि ये पॉसिबल होगा भी या नहीं। ओके है तोड़ रहा भाई, डायमंड रख बहुत सारे, हमें डायमंड बीकन एक्टिवेट करना भाई। अरे यहाँ पर मैंने रख दिया, ये देखो भाई मैंने एक बीकन यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। ओके तो अगर मैं ये सारे डर्ट के ब्लॉक तोड़ूं और यहाँ पर मैं डायमंड रखूं, गाइस इमेजिन सारे बीकन एक्टिवेट हो चुके हैं भाई, मजा ही मजा, फिर तो मौज हो जाएगी अपनी। चमन चमन भाई, चमन क्या होता है भाई? ओके चमन कमल लोगे, अभी कोई नोटंकी नहीं चलेगी। हाँ हाँ रेडी हो ना, लेट्स गो। बीकन एक्टिवेट, कम ऑन यार बीकन, व्हाट? अरे ये देखो भाई, ये एज के ऊपर आ चुका है तो मुझे लगता है अगर हम एक और लाइन यहाँ पर बनाएंगे तो शायद ये चल जाएगा। मैं एक और लाइन बनाऊंगा जस्ट इन केस, एक और बना दो, बना दो, बनानी है। प्लस गो, कम ऑन बीकन भाई, अब तो एक्टिवेट हो जाए भाई, तेरे को तभी एक्टिवेट होना चाहिए था। अरे यार ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम ट्रोल हो चुके हैं, एकदम खतरनाक बेकार हो चुके हैं ये वाली प्लानिंग, डंगर प्लानिंग है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, फिर भी कितना खतरनाक लग रहा है। अभी एक चीज टेस्ट करनी है और वो है वो नेदर स्टार। अच्छा मुझे लगता है चपाती भाई क्रिस्टल की बात कर रहे हैं भाई, रेडी हो ना? अरे मेरे पास आ चुका है, रेडी हो ना? और आई डोंट थिंक ये काम करेगा, लेकिन लेट्स गो। अरे यार पूरी गेम वो, भाई क्या कर रहा है भाई, मैं कितना नीचे जा चुका हूं, अबे क्या कर रहा पागल कहीं गए थी तो, उसने भी इसने कुआं खोद कर रख दिया यहां पर। अच्छा तो क्रिस्टल काम नहीं करता है यार, मुझे लगा काम करेगा, लेकिन फिर भी भाई ये कितनी सारी ब्लॉक्स यहां पर चलती हैं यार, तो मुझे लगता है गाइस अभी हमारे पास सबसे खतरनाक पावर आ चुकी है। क्रिस्टल को समन करने के लिए तेरे उसके नीचे बेडरॉक चाहिए क्या? बेडरॉक या नेदर चाहिए होता तेरे को स्ट्रांग वाला? तो इसको समन करने के लिए तेरे को यहां पर बनाना पड़ेगा ऑब्सिडियन का प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो ऑब्सिडियन के ऊपर खड़ा होकर देख, अभी अगर मैं समन करूं तो होगा, देख रहा है? ओके ओ हो रहा है, अभी इसको खड़ा करना है, समन कर, लेट्स गो। हां 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 निकालो निकालो। और अगर मैं एक मिनट भाई, मैं एक और ब्लॉक के ऊपर चला जाता हूं। अबे नहीं होगा, इसको इसी ब्लॉक के ऊपर समन कर रहा हूं, ऑब्सिडियन के ऊपर चल। और लेट्स गो, नहीं कर रहा है काम, नहीं कर रहा, मैंने आपको बोला था ट्रोल है यार ये, मैं जा रहा हूं। हां समझ गया, तो चलिए कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही काफी है, तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।